दबंग दुनिया समूह और गुजराती समाज का डाकला गरबा किस कदर धूम मचा रहा है, आप खुद गरबा देखने वालों की बातें सुनकर पता कर सकते हैं। यह रोज नई सेलिब्रिटीज आ रही है, साथ ही गरबा करने वालों का उत्साह चरम पर है। मध्य भारत के सबसे बड़े गरबा महोत्सव के बारे में क्या कहते हैं दर्शक, व्यवस्था संभालने वाले और सुरक्षा करने वाले, आप भी सुनिए और देखिए। दुनिया को बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। हर रोज़ नए सेलिब्रिटी आते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, भले पानी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रोज़ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं। मुंबई के जो ग्रुप आया है वो भी यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं अपनी, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। हम लोग दबंग दुनिया में गरबा देखने हैं, हम फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे गरबे हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा डांडिया करा गया है, हम लोगों ने भी यहाँ पे गरबे करे हैं, और यहाँ पे पानी आने के बावजूद यहाँ पर बहुत अच्छा गरबा कराया गया है, हम लोगों ने यहाँ बहुत इंजॉय किया है। दबंग दुनिया डेली सेलिब्रिटीज को बुला रहा है, मतलब अच्छा क्राउड है, मज़ा आ रहा है गरबे वालों को, लोगों को मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। ओपन गरबा भी रखा हुआ है एंड अच्छा हो रहा है, सब लोग पार्टिसिपेंट सब पानी में भी खेल रहे हैं, सब चल रहा है। हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं और यहाँ पे गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, और इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत अच्छे से गरबा खेल रहे हैं। तो मैं दबंग दुनिया और सभी जितने लोग इस गरबे से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतने बारिश के मौसम में भी यहाँ पे इतना अच्छा गरबे का आयोजन किया है। मेरे लिए दबंग दुनिया एक परिवार की तरह है, जो कि इतनी बारिश के बाद भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंदौर की पूरी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, और इस साल इसका पहला साल है, पर पहले साल में इसने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। दबंग दुनिया का जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतनी बारिश होने के बाद, इतनी कीचड़ के बाद जो स्प्रिट इन लोगों की है वो कंटिन्यू है, लाइक जो सिंगर्स हैं सभी लोग कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इवन जो इंदौर के लोग हैं उन लोगों में भी डांस को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है, जो अभी भी नज़र आ रहा है, इतनी बारिश के बाद भी वो उत्साह कंटिन्यू है। सो मैं दबंग दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, और उनके इस स्प्रिट के लिए उनको मतलब बहुत अप्रिशिएट भी एक तरह से मैं करना चाहूँगी। ये हम लोग की तरह एक परिवार की तरह से ही है, जो आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू इवेंट में खड़े हुए हैं। तो यहाँ दबंग दुनिया के ग्रुप का जो गरबा हो रहा है इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इतनी मुश्किलें आने के बाद भी दबंग दुनिया ग्रुप ने गरबा इवेंट फ्लो किया, काफ़ी सपोर्ट मिला और पब्लिक भी उनका सपोर्ट कर रही है, काफ़ी शानदार, पहली बार ये गरबा कर रहे हैं, फेस्टिवल कोशिश कर रहे हैं इन्होंने, पब्लिक भी और पूरा क्राउड भी आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है इनका, मौसम खराब होने के बाद भी अच्छा इवेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारा क्राउड आ रहा है।